चुड़ैल की भूतिया सवारी। रात के समय एक बहुत ही भयानक चुड़ैल अपने भूतिया कुत्ते की सवारी करते हुए गांव की तरफ आ रही थी। चल शेरो, कुत्ते की भांति नहीं, शेरों की भांति दहाड़ते हुए इन्हें पार बुला। पहले हम इनको इस पक्षी की सवारी करवाएंगे और फिर इन्हें बंदी बनाकर अपनी गुफा में ले जाएंगे। चुड़ैल अपना रूप बदल लेती है, जिसके बाद वो एक बहुत ही सुंदर सी लड़की बन जाती है और गांव में खड़े लोगों से कहती है, आओ आओ इन गधों से अच्छा मेरे कुत्ते की सवारी को आजमाओ। जहाँ पहुँच पाओगे आधे घंटे में, वहाँ मेरा कुत्ता शेर की भांति पहुँच जाएगा तुम्हें 10 मिनट में। बसंती का कुत्ता सवारी देखकर गांव के सभी लोग उस पर बहुत आकर्षित होते हैं, जिसके बाद सभी लोग बसंती के तांगे पर बैठ जाते हैं। चल बसंती, अब अपना कुत्ता सवारी से 10 मिनट में हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा दे। अरे राजेश बाबू, देखो अब मैं तुम्हें कैसे पहुंचाती हूँ। ये कहकर बसंती अपना कुत्ता सवारी दौड़ाने लगती है। देखते ही देखते कुत्ता सवारी हवा में उड़ने लगती है। ये सब देखकर तांगे में बैठे हुए सभी लोग अचंभित रह जाते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ देखते ही देखते बसंती अचानक से एक बहुत ही भयानक चुड़ैल का रूप ले लेती है, जिसके बाद चुड़ैल को उसके असली रूप में देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, अरे चुड़ैल, हे भगवान जी, चुड़ैल कहाँ से आ गई, अब हमारा क्या होगा, कोई बचाओ हमें, अरे कोई बचाओ हमें। अरे ये तो बहुत भयानक चुड़ैल है, ये हमका कहाँ ले जावत है। अरे रुक जा चुड़ैल, अब क्या नागमणि लेके ही मानेगी। तुम लोगों को घर अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप बैठ जाओ, नहीं तो एक एक करके तुम्हें अपने तांगे से उठाकर नीचे फेंक दूंगी। आरा रा रा रा। अरे चुड़ैल, तू हमका मार कर क्या करेगी, अरे हमने तेरा क्या बिगाड़ा है। किसने कहा कि मैं तुम लोगों को मारूंगी और तुम्हारी जान निकालूंगी, मैं तो तुम्हारी जान से खेलूंगी। अब अगर तुम लोगों ने एक शब्द भी कहा तो मैं तुम्हें उठाकर अपनी तांगे से नीचे फेंक दूंगी और फिर मेरा कुत्ता तुम्हें नोच नोच कर खा जाएगा। ये कहकर चुड़ैल तांगे को हवा में उड़ाते हुए जंगल के बीचों बीच अपनी एक बहुत ही भयानक गुफा के अंदर लेकर जाती है, जहाँ उसने पहले से ही कई लोगों को बंदी बनाकर रखा हुआ था। वो उन्हें भी ले जाकर वहाँ बांध देती है और उनसे कहती है, यही तुम्हारा घर है और यही रहोगे तुम लोग। कुछ ही समय में तुम लोगों को पता चल जाएगा कि आखिर तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है। अरे चुड़ैल, हमें छोड़ दे, अरे हमने तेरा क्या बिगाड़ा है, कई दिनों से तूने भूखा प्यासा हमें इस भयानक गुफा के अंदर छोड़ रखा है, अरे कम से कम हमें खाने के लिए तो ला दे। खाना, अरे हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, इन इंसानों को तो खाना जरूर चाहिए, नहीं तो ये मर जाएंगे और अगर ये मर गए तो मेरा मकसद पूरा कैसे होगा। ये सोचकर चुड़ैल अपने कुत्ते के तांगे पर बैठकर गांव की तरफ जाती है। गांव की कुछ दुकानों से खाने का सामान चोरी करके वो अपने तांगे में भर के ले आती है, जिसके बाद वो सभी खाना गाँव वालों को खिला देती है और कहती है, ये लो खाना और अब इसे खाकर चुपचाप सो जाना, और अगर किसी ने भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं सबको मार दूंगी। चुड़ैल एक रस्सी से उन सभी को बांध देती है, जिसके बाद चुड़ैल अपनी गुफा में आराम करने लगती है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, चुड़ैल जागती है और सभी को एक प्याले में खून भर कर देती है, जिसके बाद वो सबसे कहती है, मेरे बंदियों ये लो, ये खून तुम्हें पीना है। अरे चुड़ैल, हम तेरी तरह भूत और चुड़ैल नहीं है जो यह खून पी पाएंगे, तू पागल हो गई है, हमें पानी पिला दे, हमें पानी पीना है। अच्छा तू मेरा विरोध करेगा, तूने मेरी बात नहीं मानी, अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। चुड़ैल ऐसा कह के अर्जुन की गर्दन पर अपने नुकीले दांतों से उसको काट देती है, जिसके बाद वो उसको मार कर खा जाती है। अगर अब किसी ने मेरा विरोध करने की कोशिश की तो वो अपनी जान से जाएगा। अगर किसी को अपना हाल ऐसा करवाना है तो पहले ही मुझे बता दो, क्योंकि मुझे और भी ज्यादा भूख लग रही है।
अर्जुन की मौत को देखकर बाकी के गांव वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं, जिसके बाद वो एक एक करके प्याले से एक एक घूंट खून पीने लगते हैं। देखते ही देखते सभी लोग प्याले से खून पी लेते हैं, जिसके बाद वो सभी चुड़ैल के कब्जे में आ जाते हैं और जैसा चुड़ैल उनसे करने के लिए कहती है वो सब उसी की बात सुनने लगते हैं। अब तुम मेरे गुलाम हो, जैसा मैं कहूंगी तुम्हें वैसा ही करना होगा। ये मेरी गुफा है, इसे तुम लोगों को मिलकर एक बहुत ही प्यारा महल बनाना होगा। चुड़ैल की बात सुनकर सभी लोग महल बनाने में लग जाते हैं, जिसके बाद चुड़ैल अपने कुत्ते से कहती है, हमारे पास अभी कम गुलाम है, हमें और गुलामों की जरूरत होगी। रात होते ही हम लोग अपने गुलामों का शिकार करने के लिए निकलेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे चुड़ैल गांव के कई लोगों को चुराती है और उन्हें अपना बंदी बनाकर अपने महल को बनाने के लिए मजबूर कर देती है। गांव के सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे गांव के अंदर से कई लोग गायब हो जाते हैं। ये बात गांव वालों को समझ नहीं आती और वो आपस में बात करने लगते हैं। आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, आखिर हमारे गांव के लोग कहां जा रहे हैं। कोई उन्हें चुरा तो नहीं रहा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लगता है कोई गांव के लोगों को मारता जा रहा है, तभी हम लोगों की गिनती कम हो रही है। हमें अपनी परेशानी मुखिया को बतानी होगी, तभी हमारी परेशानी का कोई समाधान निकल सकता है। गांव के सभी लोग मुखिया के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें गांव के गायब लोगों की खबर देते हैं, जिसे सुनकर मुखिया कहता है, चिंता मत करो, मैं इस बात का पता जरूर लगाऊंगा कि आखिर ये सब किसने किया है। गांव का मुखिया पहले कई सालों तक अघोरी बाबा के पास रहा करता था, जिसकी वजह से उसे कई सारी विद्याएं आती थी। इसलिए उसने एक यज्ञ किया, जिससे उसे पता चला कि एक भयानक चुड़ैल गांव के लोगों को गायब करती जा रही है, जिसके बाद वो चुड़ैल को भगाने के लिए अपनी विद्या की मदद से उसकी गुफा तक पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि चुड़ैल ने गांव वालों को बंदी बना रखा है, उनसे अपनी गुफा को एक महल में बनवा रही है। ये सब देखकर मुखिया चुड़ैल से कहता है, ये सब तू क्या कर रही है? चुड़ैल इन्हें छोड़ दे, इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है? ऐसे कैसे छोड़ दूं? तू कौन होता है जो मैं तेरी बात सुनूंगी? तू मेरे बारे में जानती नहीं है चुड़ैल, मैं तेरा वो हाल कर सकता हूँ जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तेरी धमकियों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जब तक मेरा महल नहीं बन जाता ये गांव वाले मेरी गुलामी करेंगे। मुखिया के कई बार समझाने के बाद भी चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद मुखिया अपने मन ही मन मंत्रों का विचार करता है, जिसके बाद चुड़ैल बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ जाती है और उसी समय मुखिया चुड़ैल के गले में शिव जी की रुद्राक्ष माला डाल देता है, जिसके बाद चुड़ैल अपने आप ही जलने लगती है और देखते ही देखते वो जलकर राख हो जाती है, जिसके बाद उसे मुक्ति मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ सभी गांव वाले चुड़ैल के काबू से बाहर आ जाते हैं और पहले की तरह नॉर्मल हो जाते हैं, जिसके बाद मुखिया उन्हें वापस से गांव ले आता है।